जी, इस वीडियो में हम देखेंगे कि PyCharm को इंस्टॉल किस तरह करते हैं विंडोज़ में और की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह है विंडोज़ में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि PyCharm एक्चुअली है क्या। PyCharm एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, मतलब ये कि इसमें हर चीज़ इजी टू यूज़, इसमें एरर रिमूविंग, डिबगिंग हर चीज़ इसकी अपनी है। तो इसको देखते हैं कि PyCharm को हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। पाइथन की कोई भी आपने एप्स डेवलप करनी है पाइथन के लैंग्वेज के थ्रू, तो हमें उसके लिए PyCharm की ज़रूरत पड़ती है। तो विंडो में PyCharm को किस तरह इंस्टॉल करते हैं, आपने वेब ब्राउज़र अपना कोई भी ओपन किया, गूगल पे गए, आपने लिखना है PyCharm डाउनलोड, आपके पास जो वेरी फर्स्ट लिंक होगा आपने जस्ट उसको ओपन करना है। तो आपके सामने ये एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें आपके पास ये होगा कि दो तरह के PyCharm होंगे, एक होगा प्रोफेशनल और एक होगा कम्युनिटी। तो जो प्रोफेशनल होता है ये आपके लिए फ्री नहीं होता, ये ट्रायल पीरियड के लिए होता है, बाद में आपको इसको पे करना पड़ता है। तो जो कम्युनिटी होता है ये होता है फ्री भी होता है और ओपन सोर्स है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम PyCharm कम्युनिटी इसको डाउनलोड कर लें। तो आप जस्ट क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन, तो आपके पास ये 255.55 MB की एक फाइल डाउनलोड होगी, जस्ट आपने इस पर क्लिक किया। ये भी डाउनलोडिंग प्रोसेस में है। तो जी, हमारी जो डाउनलोडिंग प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसको देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है विंडोज़ में जाके। तो मेरे पास PyCharm की जो है फाइल वो यहाँ पे आई है, तो इसको अगर मैं फोल्डर के थ्रू ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये फाइल पड़ी हुई है PyCharm कम्युनिटी की, जस्ट आपने इसको ओपन करना है। Then yes, next, ये आपके लिए डेस्टिनेशन फोल्डर जहाँ पे भी आपने इसको इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट, ये जस्ट आपसे पूछा गया कि आपने डेस्कटॉप पे इसको क्रिएट करना है, इसका शॉर्टकट और इसके पाथ वेरिएबल अगर आपने मैनुअली देने हैं बाद में तो वो आप बाद में दीजिएगा, अगर आपने इसको अभी टिक कर दिया तो ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो इसको हम अभी स्किप कर देते हैं, इसी तरह इसको नेक्स्ट कर देते हैं। देन इंस्टॉल, तो ये अभी इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो गई है। यू हैव टू वेट, इट विल टेक सम टाइम। जी, ये अभी आपकी जो इसको आपने जस्ट फिनिश कर देना। अभी आपने देखा कि आपकी PyCharm की जो डाउनलोडिंग और उसके बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपने देखना कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ पे जाके पड़ी है, तो आपने स्टार्ट बटन पे जाके लिखना है PyCharm, तो ये आपके पास PyCharm आ गई। जस्ट आपने अब इसको ओपन किया, ओके किया, ये इसमें पहले इंस्टॉल था तो नहीं, जस्ट ओपन हो गया। तो ये आपने देखा कि अब PyCharm आपका ओपन हो गया। अब इसको विंडोज़ में किस तरह आपने, इसके बाद आपने देखा कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपने क्रिएट किया प्रोजेक्ट, उसका कोई भी आपने नाम रख लेना है और आपने इसको
क्रिएट कर देना है। ये कुछ आपको बाय डिफॉल्ट डेली बेस पे कोई ना कोई टिप्स मिलती है कि आप अगर लेना चाहते हैं तो इसको ठीक है, अदरवाइज क्लोज कर सकते हैं आप। जो आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है अभी, ये आपके आपका एनवायरनमेंट आ गया है, आपने यहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करना है। तो ये यहाँ तक आपका था पाइचार्म की इंस्टॉलेशन और इसको आपने किस तरह यूज़ करना है।